वाले, टेस्ट वाले आपको मैं आंसर भेज दूंगा आज, आप पहले पढ़ लेना उसको। देखो सिंपल सा टॉपिक है, कंजंक्शन 2 दिन का ही है। इसके लिए आपको पहले क्लॉजेस पता होनी चाहिए। क्लॉजेस क्या होती है? आपके पास 2 टाइप की क्लॉज होती है। इसमें पढ़ा होगा पहले क्लॉजेस के बारे में, क्या होता है ये। सेंटेंस के टाइप तो मैंने आपको बता रखे हैं कि सेंटेंस आपके पास वैसे 3 तरीके से आप उसको डिवाइड कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, स्ट्रक्चर और पोलैरिटी। ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब अपने सीधा है ना क्लॉज से बात शुरू करते हैं। कि कंजंक्शन को समझने के लिए आपको पहले क्लॉजेस समझनी पड़ेगी। जो क्लॉजेस होती है वो 2 टाइप की होती है, एक सबऑर्डिनेट और एक प्रिंसिपल, या फिर आप कह दो इसको मेन क्लॉज, ठीक है। और दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। इन दोनों में फर्क क्या है, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज में? मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। नाम से पता लग रहा होगा मेन क्लॉज, क्या मेन क्लॉज किसी पे डिपेंड करती है? नहीं करती। सबऑर्डिनेट किसी पे डिपेंड करेगी? प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड करेगी। कौन? मेन क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट मेन क्लॉज पे डिपेंड करेगी। जैसे मैं ये लिख दूं यहाँ पर, यू विल हैव द आंसर एंड यू शुड मेक इट, या मेक की जगह कंसिडर कर दो, यू शुड कंसिडर इट इन योर प्रायोरिटी। मान लो ऐसे कोई फालतू की बात कह दी कि भाई आपको आंसर मिलेंगे और इस बात को आप अपनी प्रायोरिटी में रखना कि आंसर आपको मिले ही मिलेंगे। अब इसके अंदर आपको कंजंक्शन कौन मिला? एंड। एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो 2 प्रिंसिपल क्लॉजेस को जोड़ता है। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब ये हुआ कि आप अगर इसको अलग अलग भी लिखते हो तो इसके मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आप इनको अलग अलग लिख सकते हो। तो यू विल हैव द आंसर एंड यू शुड कंसिडर इट इन योर प्रायोरिटी, ये ऐसे एक बन जाएगा, ठीक है। मतलब अलग अलग करके लिखने पर भी मीनिंग पर कुछ खास फर्क नहीं आया। और अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, यू विल हैव द आंसर आफ्टर आई गेट एवरी क्वेश्चन। अब इसके अंदर भी 2 क्लॉजेस है, लेकिन इसके अंदर जो 2 क्लॉज है वो एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। देखो नाम इसका ऐसे है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, आपको ऐसे लगेगा कि डिपेंड कर रहा है। उसकी जगह आप थोड़ा सा और आसान भाषा में इसको पढ़ो कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो असल में क्लॉज ना हो करके आपको नाउन, या मैं कह दूं कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करे जो सेंटेंस में। जैसे अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं यहां पर कि यू विल हैव द आंसर आफ्टर आई गेट एवरी क्वेश्चन, ये पूरी की पूरी क्लॉज है, वो किस चीज का जवाब दे रही है? व्हेन का। पूरी की पूरी क्लॉज आपको व्हेन का जवाब दे रही है कि कब आपको आंसर मिलेंगे, आफ्टर आई गेट एवरी क्वेश्चन। तो ये व्हेन का जवाब हो गया। व्हेन का जवाब कौन होता है? एडवर्ब। तो ये जो क्लॉज है ना, ये पूरी की पूरी क्लॉज यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है। पूरी क्लॉज जब एडवर्ब का काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, जब इस तरह से बनता है, मतलब सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। हाँ, ये सबऑर्डिनेटिव क्लॉज है। इसके अंदर जो एंड के बाद मैंने जो क्लॉज लिखी है वो कोऑर्डिनेटिव क्लॉज है, या फिर मैं कह दूं कि दोनों के दोनों प्रिंसिपल क्लॉजेस हैं।
ये दोनों प्रिंसिपल क्लॉजेस हैं, लेकिन ये वाले जो यहां पर, ये सबऑर्डिनेटिव क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेटिव क्लॉज है। नहीं, इस बात से कोई लेने देना नहीं होता। आपको तो ये देखना होता है कि ये सबऑर्डिनेटिव क्लॉज कैसे बनती है। सबऑर्डिनेटिव क्लॉज वो क्लॉज होती है जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का काम करे, उसको हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास में क्या बात निकल के आई कि असल में सबऑर्डिनेटिव क्लॉज कोई एक क्लॉज नहीं है, वो ये सब है। पहले आप ये बात लिख लो। लिख लिया ये। क्लॉजेस दो तरह की होती है, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज को आप अलग अलग लिख सकते हो। अलग अलग लिखोगे तब भी वो दोनों क्लॉजेस मीनिंगफुल रहेगी, मतलब दो अलग अलग प्रिंसिपल क्लॉजेस आप लिख रहे हो, दोनों मीनिंगफुल रहती है। और सबऑर्डिनेटिव क्लॉज जो होती है उसको आप अलग से नहीं लिख सकते हो। उसको अलग से नहीं लिखने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो असल में क्लॉज ना हो करके वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। अब जैसे अगर मैं लिख दूं सेंटेंस, मैं कह दूं कि मैं लिख दूं मोहन, फिर लगा दूं फुल स्टॉप, क्या ये सेंटेंस है? ये तो नाउन है, ये तो नाउन जो है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मैं ऐसे लिख दूं कि वाइज, या लिख देते हैं अपने सक्सेसफुल इंटेलिजेंट, ये एडजेक्टिव है, ये कोई सेंटेंस थोड़ी ना। मैं अगर लिख दूं नाउ, ये एडवर्ब है, देन ये एडवर्ब है, ये कोई सेंटेंस थोड़ी ना बना। ठीक इसी तरह से ये दिखने में सेंटेंस है कि इसमें आपको सब्जेक्ट मिल गया, एक वर्ब मिल गया, इसका कोई आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, लेकिन असल में ये सब्जेक्ट ये सेंटेंस नहीं है। आपको ये देखना होगा कि इससे पहले कोई कंजंक्शन लग रहा है क्या। अगर कोई ऐसा कंजंक्शन लग गया, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, सबऑर्डिनेटिव टाइप के कंजंक्शन होते कौन से, हम इसको पहचानेंगे कैसे, कि अगर इससे पहले आपको इस तरह से कोई कंजंक्शन मिल गया तो ये अगर उस कंजंक्शन की वजह से When, where, why, how, या what kind of, या फिर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, what, whom, या किसी चीज का अगर ये जवाब दे रहा है, तो ये सबऑर्डिनेटिव टाइप की क्लॉज हो जाएगा। और अगर ये सबऑर्डिनेटिव टाइप की क्लॉज है तो आप इसको अलग से नहीं लिख सकते हो। हालांकि आपके ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला कि इसको अलग से लिखा जा सकता है, नहीं, आपको तो क्लॉजेस के बारे में पता होना चाहिए। और कोई ज्यादा खास ऐसी जानकारी आपको इसमें कुछ, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ, बस ये है कि आपके जो ग्रामेटिकल एरर वाले जो क्वेश्चंस आएंगे हमें वो देखने होंगे कि वो किस तरह से बनते हैं इसमें। तो यहां तक बात समझ आई? दो टाइप की क्लॉजेस का आपको पता लग गया कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेटिव क्लॉज होती है। अब यहां से अपना कंजंक्शन शुरू होता है कि जब आपको दो प्रिंसिपल क्लॉजेस जोड़नी है तो उस टाइप के कंजंक्शन को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, कि वो कोऑर्डिनेशन बना के चलेगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ कि दोनों इक्वल है, दोनों में कोऑर्डिनेशन है ना। कोऑर्डिनेशन तो समझते हैं, जब चीजें इक्वल होती है तब उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब दो प्रिंसिपल क्लॉजेस जुड़े तब उसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेटिव। जब एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में एक सबऑर्डिनेटिव क्लॉज जुड़े तो उसको क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेटिव। जब एक सबऑर्डिनेटिव के साथ में दूसरा सबऑर्डिनेटिव जुड़े तो उसको क्या कहेंगे? सामंजस्य है ना, दोनों में इक्वालिटी है ना। तो जब दो सबऑर्डिनेटिव जुड़े तो उसको क्या कहेंगे? ऐसा होता ही नहीं है कुछ, दो ही टाइप की होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिव और सबऑर्डिनेटिव दो ही होते हैं। कोऑर्डिनेटिव में क्या होगा? दो सबऑर्डिनेटिव कैसे आ जाएंगे? कोई सबऑर्डिनेटिव अकेला आ सकता है क्या? क्या कोई कंपनी ऐसी हो सकती है जिसके अंदर दो मालिक हो? कभी हुआ है ऐसा? होती है भाई, दो पार्टनर होते हैं ना, तो वो कोऑर्डिनेटिव हो गया। कोई कंपनी ऐसी हो सकती है जिसके अंदर एक मालिक हो और एक उसका नौकर हो? बिल्कुल हो सकता है। कोई कंपनी ऐसी हो सकती है जिसमें दो नौकर हो, मालिक कोई हो ही ना? ऐसा नहीं हो सकता। तो वो सबऑर्डिनेटिव और कोऑर्डिनेटिव ये दो ही कंजंक्शंस होते हैं, क्योंकि एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और एक सबऑर्डिनेटिव क्लॉज होगी, या दो प्रिंसिपल होगी, दोनों सबऑर्डिनेटिव क्लॉज हो ही नहीं सकते। ठीक है जी, तो अब आपको अगर ये पॉइंट पता लग गया तो इसके कंजंक्शन के टाइप्स अपने लिख लेते हैं, या फिर कंजंक्शन की डेफिनेशन से शुरू करते हैं अपने। कंजंक्शन किसको कहेंगे? कोई भी ऐसा वर्ड
जो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करे, ठीक है, क्लॉजेस आप ऐसे लिख लो, क्लॉजेस को जोड़ने का काम करे। अब वो क्लॉजेस किसी के भी थ्रू जुड़ सकती है, दो सब्जेक्ट के थ्रू, दो ऑब्जेक्ट के थ्रू, दो एडजेक्टिव्स के थ्रू। तो कंजंक्शन क्या हुआ? कंजंक्शन जो दो क्लॉजेस को कनेक्ट करे। देख लो इसका नाम ही कैसा है, CON, कौन, ये प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है साथ में। जंक्शन ये नाउन है, इसका मतलब होता है जोड़ना, तो साथ में जोड़ना वो कंजंक्शन हो गया। आप लोगों को मैंने वोकैब का कुछ पोर्शन करवाया था क्या? मंडे से थोड़े दिन अपने, ना थोड़े दिन क्या है ही थोड़े दिन, तो मंडे को अपने वोकैब शुरू कर देंगे कुछ दिन, फिर उसके बाद आपको दो दो एक दिन में मैं आपको डिस्क्रिप्टिव की जो जो भी गाथा है, जितनी भी डिस्क्रिप्टिव को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, कहाँ पंक्चुएशन मार्क आना है, किधर नहीं आना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीक में। ये अपने वाइंड अप कर देंगे इसको, ठीक है, फिर उसके बाद आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो आप पूछ लिया करना, मैं यहीं पाया जाता हूँ, ठीक है, आप अपने डाउट्स हो जो भी है, क्योंकि इस ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको अपने चाहे खींचे रखे, अब आपका आरएस मेंस हो जाए उसके बाद भी ये सब्जेक्ट चलता ही रहेगा, एंडलेस है इसके अंदर चीजें, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट वीक के अंदर, मतलब एक दो दिन ऊपर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो टाइम आ गया कि इस सब्जेक्ट में मैं आपको इतना बताने वाला वो मेरी तरफ से नहीं बचा जितना आपकी तरफ से पूछने वाली बातें बची हुई है, वो टाइम आ गया। अब लगभग हो गई, अब जैसे एक तो ये है अपना क्या नाम है, कौन सा टॉपिक है, कंजंक्शन है एक अपना, इसके अंदर ही मैं आपको कंडीशनल भी करवा दूंगा, और ग्रामर का तो मेन मेन पोर्शन यही होता है। हाँ, वो सब्जंक्टिव वाला, और साथ में जो है ना एक एक पॉइंट और था, स्प्लिट सेंटेंस। ये तो ऐसा है कि एक दिन में होने वाले टॉपिक्स हैं ये, सब्जंक्टिव, और हालांकि सब्जेक्टिव के अंदर इतना कुछ खास है नहीं, कि कंडीशनल जो अपने पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर ये बातें आ जाएगी कि कौन सा ऐसा पोर्शन है जो ग्रामर के जो बेसिक या यूजुअल जो रूल्स हैं उन पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे आपको मैंने एक बार बताया था कि डिमांड हो गया, रिकमेंड हो गया, सजेस्टेड हो गया, इनके बाद में जो दूसरी क्लॉज आती है दैट के बाद, तो वो सजेस्टेड, डिमांडेड, इन रिकमेंडेड, इन V2 के अकॉर्डिंग, वहां पर आपको V2 नहीं लगाना होता, वो आपकी प्रेजेंट फॉर्म लगानी होती है। अब ये जो चीजें, इन्हीं को सब्जेक्टिव मूड कहते हैं। इस तरह की दो तीन बातें हैं, जैसे आई होता है और ही होता है या शी होता है, उसके साथ में वॉज आता है, वर आता है, पास्ट में आई वर होता है कि आई वॉज होता है, आई वॉज होता है, लेकिन सब्जेक्टिव के अंदर या फिर वो उसमें आता है जब आप इसको काल्पनिक केस करते हो ना, हाइपोथेटिकल, इफ आई वर, ठीक है, एज इफ के साथ में वर आएगा हमेशा, वधू नहीं आएगी, तो वो आपको पढ़ना होगा उसके अंदर के, ये जो है ना इसको सब्जेक्टिव मूड के थ्रू कैसे पढ़ेंगे अपने, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स है वो शब्द जो वो मूड से बना है, और आपने वहीं पर कुछ ना कुछ तो रिलेट किया ही होगा कि वो जो मूड से बना है जो शब्द, तो मॉडल बना ना, इससे मॉडल की फॉर्म को इसलिए चेंज नहीं कर पाए हम लोग, चाहे सेंटेंस कैसा भी हो मॉडल चेंज नहीं हुआ, माइट है तो वो माइट ही रहा, माइट का माइटिंग नहीं हुआ, माइटेड नहीं हुआ, या फिर जो वुड है उसका ING फॉर्म नहीं बना, अकॉर्डिंग टू टेंस वो चेंज नहीं हो रहा। और अगर इवन आपने अगर एबिलिटी बतानी है और एबिलिटी का यूज आपने अगर परफेक्ट टेंस के अंदर करना है, तो फिर आपको मॉडल ही हटाना पड़ेगा, उसकी जगह पे कोई और ही शब्द आएगा वहां पर, जैसे हैव एबल टू या हैव मैनेज टू हो जाएगा उसके अंदर, तो वो मूड का मतलब यही रहता है कि चीजें जो है वो फिक्स हो जाती है इसके अंदर, और उनके फिक्स होने का भी कारण रहता है, कोई ना कोई लॉजिक रहेगा, तो उसको अपने मूड कहेंगे, सब्जेक्टिव मूड, वो एक दिन का ही टॉपिक है, वो भी पढ़ देंगे अपने। खैर, कंजंक्शन जो है ये दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम करता है कंजंक्शन, और ये कैसे कनेक्ट करेगा, दो तरीके से ये कनेक्ट करता है, और वो दो तरीके कौन से, एक तो कोऑर्डिनेटिव टाइप में आएगा ये, और एक आएगा सबऑर्डिनेटिव टाइप में। कंजंक्शन दो तरीके का हो गया, कोऑर्डिनेटिव और सबऑर्डिनेटिव। ये जो कोऑर्डिनेटिव है, आप इसके अंदर ये बात लिख लो, ये दो प्रिंसिपल क्लॉजेस को जोड़ता है, दो प्रिंसिपल क्लॉजेस को जोड़ेगा। सबऑर्डिनेटिव है
ये प्रिंसिपल क्लॉज को, प्रिंसिपल क्लॉज आ जाएगी, फिर कंजंक्शन आ जाएगा, फिर सबऑर्डिनेटिव क्लॉज आ जाएगी। प्रिंसिपल क्लॉज, या ऐसे भी हो सकता है कि कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिव क्लॉज और उसके बाद कॉमा फिर प्रिंसिपल क्लॉज, ऐसी भी एक स्ट्रक्चर होती है, वो भी अपने पढ़ लेंगे उसमें, पंक्चुएशन मार्क्स के अंदर देखेंगे ये सब चीजें। ठीक है, इनके टाइप्स भी हैं थोड़े थोड़े। कोऑर्डिनेटिव के टाइप क्या होंगे, ये नेक्स्ट कर दूं। जो हमारी कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, इसके टाइप होते हैं चार, चार टाइप है इसके। पहला चार टाइप में पहला टाइप है इसका, आपसे कोई नहीं पूछेगा नाम, लेकिन काम आपको याद होना चाहिए। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है संयोजक। और ये जो क्यूमुलेटिव है ना, इसका सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका है एंड। एंड होता है इसके अंदर एक, ये संयोजक है, जोड़ने का काम करता है, जैसे रामूड़ा एंड शामूड़ा। जिन दो चीजों को ये जोड़ेगा उनको एक जैसा होना चाहिए, या तो दोनों एडजेक्टिव हो, या दोनों एडवर्ब हो, या दोनों सब्जेक्टिव फॉर्म हो, या दोनों ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो। ऐसा नहीं है कि ये आप कह दोगे कि दोनों नाउन हो, दोनों प्रोनाउन हो। एक नाउन के साथ दूसरा प्रोनाउन जोड़ सकते हैं? कभी ऐसा हुआ कि नाउन के साथ प्रोनाउन जोड़ दिया? बिल्कुल होता है भाई। यू एंड माई ब्रदर ऐसे बोल दिया मान लो किसी ने, तो यू क्या हो गया? प्रोनाउन। माई ब्रदर क्या हुआ? नाउन हो गया। होता है ऐसे। सब्जेक्टिव फॉर्म को सब्जेक्टिव फॉर्म से जोड़ेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म को ऑब्जेक्टिव से जोड़ेगा। आपने स्पोकन के अंदर बहुत बार ऐसे सुना होगा कि यू एंड मी आर गोइंग देयर, यू एंड आई होता है वो असल में। स्पोकन में तो इतना भी चलता है कि यू एंड मी बोल दिया, तो ये गलत है ये। ठीक है, तो इसका रूल अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे तो छोटा सा ही है। ये संयोजक है, क्यूमुलेटिव, ये सेम वर्ड्स को जोड़ेगा, सीधा सा लिख लो, सेम वर्ड्स को कनेक्ट करेगा। अब सेम वर्ड्स को कनेक्ट करेगा का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्टिव फॉर्म को सब्जेक्टिव फॉर्म से, ऑब्जेक्टिव फॉर्म को ऑब्जेक्टिव फॉर्म से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से, नाउन को नाउन, ऐसे ये लिखते रहो जाए शाम तक। इंपॉर्टेंट क्यों है ये वाले दो तीन अपने पास? इधर एग्जाम में जो आते हैं इस वे में आएगा ये। आई सॉ अ पर्सन, येस्टरडे हु वॉज स्कॉलर एंड वाइज। मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल लिखा है जो वर्ड्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ताकि आप में से लगभग सभी का आंसर सही है। हाँ जी, क्या एरर है इसमें? स्कॉलर गलत है, एल वाई क्यों आएगा? एल वाई की जगह एल वाई ही आएगा। स्कॉलर नाउन होता है, एक नाउन को अगर आपने एडजेक्टिव बनाना तो एल वाई लगाना पड़ेगा। वो याद है स्कॉलर और कावर्ड, ये ऐसे कुछ, माइजर, निगार्ड, ऐसे कई सारे वर्ड्स लिखे थे कि
ये जो दिखने में नाउन के जैसे होते हैं लेकिन असल में वो एडजेक्टिव्स होते हैं। स्कॉलर जो है वो एक नाउन है, और यहाँ पर एंड कंजंक्शन से आपने दो एडजेक्टिव्स को जोड़ना है, तो वाइज तो ऑलरेडी एडजेक्टिव है ही, ये तो आ गया, लेकिन इसको आपको एलवाई लगाना पड़ेगा। वो जब आप एडवर्ब बनाते हो ना तब लिखते हो ऐसे, इन अ स्कॉलरली मैनर। और देखो ये वॉज, वॉज क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब जब मेन वर्ब होती है तो उसके बाद में एडजेक्टिव आता है या फिर कोई नाउन आता है। यहाँ पर वॉज जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है, और हमने यहाँ पर एक एडजेक्टिव लगाया हुआ तो दूसरा भी एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, ये इसका रूल है कि आपने दो एक जैसी चीजों को जोड़ना है। ठीक है जी, और एग्जाम्पल देख लेते हैं एक अपने। इट वॉज माई ब्रदर एंड हिम हू वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी। कारण सहित उत्तर की व्याख्या करना है यहाँ पर, जो भी आपको आंसर लग रहा है, क्योंकि पहले करवाया होगा मैंने आपको। ये तो वर्ब के बाद आ रहा है ना, वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स आती है। कहीं ऐसा तो नहीं है नो एरर है? ही एंड माय ब्रदर, उसका कारण क्या रहेगा? माय ब्रदर और हिम में से सेकंड पर्सन कौन सा? कोई सा भी नहीं, दोनों थर्ड पर्सन है। माई ब्रदर नाउन है, ही तो मैं लगा दूंगा लेकिन कारण होता तो क्या है? ये कोई कारण थोड़ी ना होगा। सब्जेक्ट सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, लेकिन ये तो वर्ब के बाद आ रहा है। अच्छा ये बात थी, माई ब्रदर की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? देखो नाउन की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम रहती है, इसीलिए प्रोनाउन का आविष्कार किया गया, क्योंकि नाउन के अंदर कई सारी बातें थी जो अधूरी रह गई थी, जैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म में फर्क ना होना, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन क्या, जेंडर के बारे में जो वो डिवाइडेशन कह सकते हो आप इसको, कि वो नहीं कर पाता, वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता कि कौन मेल है कौन फीमेल है। जैसे मैं स्टूडेंट लिख दूँ, स्टूडेंट मेल है या फीमेल है, दोनों ही हो सकते हैं। जैसे मैंने इवन आपको प्रॉपर नाउन का भी एग्जांपल दे दिया था, कि अगर मान लो अपने ऐसे बोल देते हैं भवानी, तो वो मेल है फीमेल है? दोनों भवानी प्रसाद हुआ तब तो वो फिर मेल हो गया, ओनली भवानी है तो महिला का नाम भी हो सकता है। देवी मेल है फीमेल है? दोनों ही हो सकते हैं। देवीलाल, अब देवीलाल है तो फिर वो मेल हो गया ना। इवन ऐसा भी है कि अब कोमल है, कोमल मेल है? फीमेल का नाम है, मेल का नाम है, यूजुअली फीमेल का होता है, लेकिन एक कोमल नाहटा नाम का एक वो फिल्म समीक्षक है, वो पुरुष है, तो ये तो किसी का भी नाम हो सकता है। नाम जो है ना वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता, इसलिए प्रोनाउन बनाया गया। अब मान लो अपने कहते ही मेल है कि फीमेल है, वो तो मेल ही है, डेफिनेटली मेल वाली बात आ गई। शी फीमेल के लिए आएगा, शी इज माई ब्रदर तो हो ही नहीं सकता कभी भी, और ही इज माई सिस्टर नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउन जो होता है वो डिफाइन कर देता है असल में चीजों को। अब अपने कह दें कि टीम सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर भी हो सकता है, टीम हैज अराइव्ड हो गया, और टीम हैव अ डिस्प्यूट प्लूरल भी हो गया, लेकिन अपने आपने बोल दिया दे, दे सिंगुलर है प्लूरल है, वो प्लूरल ही हुआ। समवन, ये सिंगुलर ही हुआ, तो ये डिफाइन प्रोनाउन जो है वो डिफाइन कर देता है चीजों को। लेकिन अब बात यहाँ पर ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर हिम की जगह पर ही क्यों आएगा, तो उसका सही आंसर ये होगा कि ये दोनों जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन फिर मैंने आपसे ये पूछा कि ये तो वर्ब के बाद आ रहे हैं, ये जो फॉर्मेशन है ये स्प्लिट फॉर्मेशन है सेंटेंस की। अगर मैं सीधा ये लिखता कि माई ब्रदर एंड ही वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, ये तो होगी नॉर्मल फॉर्मेशन सेंटेंस की। अगर मैं सीधा आपको ये बता देता कि माई ब्रदर एंड ही वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, फिर ये तो सबको पता लग जाता है यहाँ पर कि ये सब्जेक्ट कौन है यहाँ, माई ब्रदर एंड ही। लेकिन अब हुआ ये ना कि माई ब्रदर एंड ही क्या हो गया, ये सब्जेक्ट बन गया,
और वांटेड टू ज्वाइन द आर्मी, ये प्रेडिकेट बन गया। इंपॉर्टेंट कौन होगी? इंफॉर्मेशन, प्रेडिकेट। लेकिन अगर आप माय ब्रदर और ही को इंपॉर्टेंट बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? उन दोनों को प्रेडिकेट बना दोगे उसको। लेकिन प्रेडिकेट के अंदर तो ऑलरेडी ये वर्ब वगैरह ये सब पड़ी है, तो हम उसको प्रेडिकेट इस फॉर्म में बनाते हैं। मतलब कि सेंटेंस में आपने जिसको इंपॉर्टेंट बनाना है ना, मैं स्प्लिट सेंटेंस बीच में ही करवा रहा हूँ आपको। जैसे ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई टॉपिक है स्प्लिट सेंटेंस और उसके अंदर कोई अपने को रॉकेट साइंस आनी चाहिए। इतनी सी बात है कि आपने सेंटेंस के अंदर जिसको इंपॉर्टेंट बनाना है उसको इस फॉर्मेशन के अंदर लिख दो, लिख दो इसको ऐसे करके, ठीक है? इट वॉज माई ब्रदर एंड ही। अब आपने किसको इंपॉर्टेंट कर दिया? माई ब्रदर एंड ही, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इस सेंटेंस के अंदर, के वो मेरा भाई और उसका दोस्त है, और वो उसका दोस्त मान लो, वो मेरा भाई और वो व्यक्ति है जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। कि अपने जैसे ऐसे ही कहते हैं कि वो है क्या जिसने आर्मी ज्वाइन करनी की? नहीं, वो नहीं है, वो तो मेरा भाई और उसका दोस्त है जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। अब किस पे एम्फेसाइज हुआ? माई ब्रदर एंड ही पे एम्फेसाइज हुआ, तो इस टाइप का एक सेंटेंस बना दिया, ठीक है? आप अगर ऐसे लिखना चाहते हो, इट वॉज द इंडियन आर्मी दैट माई ब्रदर एंड ही वॉन्टेड टू ज्वाइन। अब इंडियन आर्मी पे एम्फेसाइज हो गया कि वो आर्मी थी जो उन्होंने ज्वाइन करनी थी, उनको मिली BSF तो वो छोड़ा है। तो ये क्या है कि आर्मी पर आपने एम्फेसाइज करना है, तो आपने इसको स्प्लिट सेंटेंस के अंदर रख दिया। तो बीच में थोड़ी सी बात मैंने स्प्लिट सेंटेंस की कर दी है कि आपने जिसको इंपॉर्टेंट करना है उसको इट इज इट वॉज करके उसके बाद लगा दो, फिर एक कंजंक्शन दे दो छोटा सा, वो दैट या हुआ, आपने कंजंक्शन दे दिया। बिल्कुल सिंपल चीज है। अगर आप यहां पर ये लिखते ना साथ में, लास्ट ईयर लिख देते, V2 लगा हुआ है, तो लास्ट ईयर को इंपॉर्टेंट बना सकते हो। कैसे बनाओगे? इट वॉज लास्ट ईयर वेन माई ब्रदर एंड ही वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, कि वो पिछले साल था जब वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। इस साल तो उम्र ही निकल गई उनकी, तो वो इट वॉज लास्ट ईयर, आपने लास्ट ईयर को एम्फेसाइज कर दिया। तो सेंटेंस में जब आप डिस्क्रिप्टिव का जब एग्जाम दोगे, आपने जिस वर्ड को एम्फेसाइज करना है, या फिर जैसा मैंने आपको एक बार बताया था कि आपको ये काम करना होगा कि एग्जामिनर आपके कौन से पॉइंट को देखना चाहता है। मतलब आपने एक सेंटेंस को इस तरह से लिखना है, तो अगर आप ऐसे लिखोगे जिस पॉइंट पर आप एम्फेसाइज कर रहे हो, एग्जामिनर देखेगा कि उसको पूरी कॉपी में कुछ तो पड़ेगा, वो खाली राइटिंग के नंबर थोड़ी देगा, कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो उसको। ये खैर अपने जब डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे तो इन पॉइंट्स को दोबारा से छेड़ेंगे भी वहां पर, ठीक है? कि कॉमा वगैरह का यूज करके, सेमी कॉलन का यूज करके आप कैसे और चीजों को और इम्प्रूव कैसे कर पाते हो, ठीक है? ये कहानी आई समझ में? एंड अपने पढ़ रहे थे, एंड में यही चीज है कि आप दो एक जैसे वर्ड्स को ही कनेक्ट कर पाओगे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव फॉर्म को सब्जेक्टिव फॉर्म से, ऑब्जेक्टिव फॉर्म को ऑब्जेक्टिव फॉर्म से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को, ये सारी चीजें, ठीक है? ये याद रहेगा, कोई डाउट इसमें यहां तो कभी है? ये वाला भी समझ आएगा, स्प्लिट सेंटेंस ये क्या होता है, जिस पे एम्फेसाइज करना उसको स्प्लिट कर दो, स्प्लिट मतलब अलग कर दो उसको, ठीक है भाई? दूसरा टाइप था अपना इसके अंदर, ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का ही दूसरा टाइप है। पहला हो गया क्यूमुलेटिव, दूसरा लिखते हैं अपने एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव जो है ना, ये विरोधाभास को बताएगा। हाँ, वो उसके डिस्क्रिप्टिव के अंदर मैं आपको उनके यूसेज बता दूंगा कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क क्या काम करता है, क्या कंजंक्शन के साथ पंक्चुएशन मार्क्स आ सकते हैं, आ सकते हैं तो कब आ सकते हैं, नहीं आ सकते तो कब नहीं आ सकते,
ये सब चीजें सेमी कॉलन हो जाता है, वो सेंटेंस को ब्रेक करता है, वो देखेंगे उसके अंदर अपने। एडवर्जेटिव विरोधाभास, कि जब जैसा रिजल्ट हमें मिलना चाहिए वैसा रिजल्ट हमें मिला नहीं, तो वो विरोधाभास को बताता है। जैसे मान लो मैं कह दूं कि मैंने बहुत पढ़ाई की और मैं फेल हो गया, क्या ये सेंटेंस सही है? और आएगा क्या उसमें? लेकिन आएगा। अपने कह दे कि मैं कुछ नहीं पढ़ा और मैं पास हो गया, ये भी एडवर्स कंडीशन है भाई। कुछ नहीं पढ़ा का रिजल्ट क्या आना चाहिए? फेल हो गया। नहीं पढ़ा का फेल होना आना चाहिए था और बहुत पढ़ा का पास होना आना चाहिए था, लेकिन एडवर्स मिला आपको, तो आपको फिर कंजंक्शन भी एडवर्जेटिव ही लगानी पड़ेगी। ये कंट्रास्ट को बताएगा, कंट्रास्ट समझते हो क्या? डिफरेंस, अंतर को बताएगा ये। कंट्रास्ट चमक को नहीं कहते भाई, फोटो में जो कंट्रास्ट अपने कर देते हैं कि ले भाई मुंह चमक गया, वो ब्राइटनेस होती है, ठीक है। ये अंतर को, डिफरेंस को बताएगा। देखो एडवर्जेटिव के अंदर कौन से होते हैं, जैसे बट, ऑल्दो, दो, हाउएवर, येट, नॉनदलेस। स्पेस मत देना भाई इसमें। नेवरदलेस, इन दोनों का मतलब है फिर भी, एक क्वांटिटी के लिए एक फ्रीक्वेंसी के लिए। जैसे अपने बोल देना कि फिर भी कभी कभी तो आ ही जाता था बिना बुलाए, तो फ्रीक्वेंसी होगी। कि नंदलेस, के फिर भी थोड़ा बहुत तो खा ही जाता था, तो क्वांटिटी होगी कितना खा गया। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल। हाँ, दोनों में स्पेस नहीं है और दोनों का मीनिंग फिर भी है। देखो कई लोग है ना, इसके अंदर वो मोर ओवर भी लिख देते हैं, मोर ओवर नहीं आएगा। मोर ओवर जो होता है वो इसके साथ साथ को बोलते हैं, मोर ओवर, ठीक है। हाउ एवर होता है जो बावजूद इसके, और हालांकि, ऐसा सेंस देगा आपको। जैसे मान लो अपने लिख दें, दे वेंट टू ज्वाइन अ न्यू कंपनी विद जील, कर दो, एंथुसियाज्म कर दो, बट देयर वॉज नथिंग टू बी हैप्पी। अब ये एडवर्स कंडीशन बता रहा है। अगर मान लो मैं एंड लगा देता, तो इसका मतलब कि जैसा ये पहला अपना क्लॉज है पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे रहा है, सेकंड क्लॉज भी आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ही देता। हाउ एवर भी यही काम करता है, कि हम कोई बात बता रहे हैं, उसके बाद अचानक से हमने हाउ एवर लगा दिया, फिर हम कोई उसका रिवर्स कंडीशन की बात करेंगे। जैसे देयर आर मोर देन 10 लाख कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर दिस पोस्ट एवरी ईयर। हाउ एवर, लेस देन, कितनी की बेइज्जती करनी है, 10,000 कैंडिडेट्स वर्क फॉर इट। मान लो आप वाले एग्जाम की बात करें, तो उसमें हम में से 90% तो इस थिंकिंग में ही रह जाते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है ये हमारे सिलेबस में इतने ज्यादा है नहीं, तो सिर्फ वो पॉइंट हो जाए अगर जो एग्जाम में आने वाले हैं, तो कितना मजा आए। अगर मान लो मुझे ये पता होता कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला, तो मैं पेपर बेच के घर गुजारा कर लेता, मेरा पेपर बनाता और भेज देता, कालड़े में चला जाता, ये पास वाले में चला जाता, क्या भी पेपर दिए, कितने का, 20,000 का एक पेज है और 6 पेज लगे हैं उसके अंदर, काफी बढ़िया बिक्री होती। लेकिन पता लगता नहीं है, एसएससी में तो अंदाजा लग जाता है आजकल के, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है,
जैसे मैंने अभी पेपर देखा था 2023 वाला, उसके अंदर लगभग 9 क्वेश्चन ऐसे मिले मेरे को, 15 में से 9 क्वेश्चन, जिसपे मैं क्लास के अंदर बात किया करता था कि आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, हालांकि मैंने वो गप मारी थी, सही में मैंने ऐसे ही गप मारी थी। मैंने कहा ये नए, क्योंकि क्या होता है वो थोड़ा होता है ना कि अपनी इनर इंस्टिंक्ट जो होती है वो थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन जो होता है उसको देख के राजी हो जाते हैं कि अरे और ये तो पता ही नहीं था मेरे को, इस बार हो सकता है ये आ जाए, वो आ गए। और उनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने ऐसे बोला था, ऐसे ही बोल दिया था मैंने कि ये क्वेश्चन है ना हर साल आते हैं इसलिए इस साल भी आएगा, वो उस टाइप का क्वेश्चन आ गया। कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे बोला था ये आज तक नहीं आया, हो सकता है ये आ जाए, वो भी आ गया। और एक क्वेश्चन ऐसा था मैंने कहा ये कभी आता है कभी नहीं आता, वो भी आ गया। कई बार ऐसे तुक्के भी लग जाते हैं, मैं सोच रहा हूँ इस बार भी लग जाए, तो कल को मैं ऐसे कोई वीडियो लेके आ सकता हूँ कि ये देखो दोस्तों मैंने उस क्लास में पहले ही आपको बताया था, नीचे स्क्रीनशॉट लेके वो डाल सकता हूँ ना उसके अंदर में कि देखो मैंने कहा था आप लोगों को, कहा तूने कहा था, तेरी वीडियो देख के ही आया ये क्वेश्चन पेपर। तो खैर ये जैसे आपको पता लग गया, ये हाउ एवर वाली जो बात आ रही है इसके अंदर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है पहले वाली स्टेटमेंट को, कि लगभग 10 लाख से ऊपर कैंडिडेट्स होते हैं जो हर साल अप्लाई करते हैं आईएएस आरएएस दोनों, दोनों अलग अलग मिला के नहीं, लगभग 10 लाख, 10 10 लाख, लेकिन मिला के 10 हजार से कम होते हैं जो वास्तव में एकदम सीरियस होते हैं उस पोस्ट के लिए, कि बहुत ही भयंकर वो सिर्फ वही काम कर रहे हैं जिसके वजह से उनका सिलेक्शन हो सकता है। कि ये नहीं कि शाम को रेडियो पे पाए जाते हैं या फिर मान लो कि संडे है, आज संडे आराम है, नहीं भाई, बेरोजगार का कोई त्योहार नहीं है, कोई आराम नहीं है, कोई संडे नहीं है, कोई मंडे नहीं है, कोई शिवरात्रि नहीं है, कोई 16 सोमवार नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ना है पढ़ना, और पढ़ 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 के पागल हो जाना कि घर वाले कहे कि अब बस कर, थोड़ी देर आराम कर ले, फिर अपने घर वालों को ऐसी नजरों से देखे जैसे जोम्बी अपने किसी शिकार को देखता है, तब वो ऐसे बच के बाहर भागे, तब जाके सिलेक्शन के आप थोड़े बहुत नजदीक पहुंचोगे। बिल्कुल, क्योंकि 10 हजार से ज्यादा लोग ये काम कर रहे हैं, कहां पर, एक ही बात है, एस्पिरेंट थोड़े से इज्जत वाला शब्द है, वो मैं अभी नहीं दे रहा, ठीक है। तो 10 लाख को एस्पिरेंट थोड़ी कहूंगा मैं, एस्पिरेंट वो होंगे जो एंड में 5-1 हजार बचेंगे, जो लगभग मेरिट लिस्ट के अंदर जिनका नाम आने वाला है वो एस्पिरेंट है, तगड़ा उम्मीदवार, ये तगड़े उम्मीदवार है। इनमें से 5 लाख तो पेपर देने नहीं जाएंगे, वो फॉर्म भर के पैसे ऐसे खराब कर रहे हैं, जो वो हो गया एस्पिरेंट। नहीं, जील जो होता है वो नाउन होता है, उत्साह के साथ, एंथुजियाज्म का सिनोनिम है भाई, विद एनर्जी, अगर आप विद नहीं लगाओगे ना, विद जील एडवर्ब है, विद जील है ना वो एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब और उसका ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर क्या करते हैं, एडवर्ब या एडजेक्टिव का काम करते हैं, यहाँ पर जील के नाउन और ये क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर एडवर्ब बनते हैं, है ना। एंथुसियास्टिक जो होता है ना वो एडजेक्टिव होता है, अगर आप उसके साथ एलवाई लगा दोगे फिर वो एडवर्ब बनेगा, अब वो भी लिख सकते थे लेकिन वो स्पेलिंग बड़ी थी इसलिए मैंने नहीं लिखी। हाँ वो नाउन है, हाँ फिर आएगा ऐसे, एंथुजियाज्म जो है वो जील का सिनोनिम है, दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहां तक कोई डाउट, कंट्रास्ट बता रहा है ये भी, अंतर बता रहा है, ठीक है। तीसरा देखो, ऑल्टरनेटिव को कंजक्शन, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन का मतलब ये हुआ जो आपको ऑल्टरनेटिव बताता है, ऑल्टरनेटिव अलग चीज होती है, ऑल्टरनेट अलग चीज होती है भाई, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है अदर ऑप्शन, हम इसको उल्टा यूज करते हैं अपने ना, ऑल्टरनेटिव को ये मान लेते हैं एक छोड़कर एक, और ऑल्टरनेट को अपने कहते हैं अदर ऑप्शन, उल्टा है ये कि इसका कोई ऑल्टरनेट बता दो, नहीं ऑल्टरनेटिव बता दो, यूज करते हैं ऐसे इस वर्ड को कि इंग्लिश समझ में नहीं आ रही इसका क्या अल्टरनेट है, आरआरबी में तो होता है, इंग्लिश की जगह हिंदी पकड़ लो अपने, नहीं
अल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव दोनों ही वैसे नाउन के जैसा काम करते हैं। अल्टरनेट का मतलब हुआ एक छोड़कर एक, ऑल्टरनेटिव नाउन है असल में, ऑल्टरनेट एडजेक्टिव है। अगर मैं ऐसे बोलूं ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट डेज, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक छोड़कर एक, ठीक है। अगर मैं कहता हूं इसका कोई ऑल्टरनेटिव बताओ, तो वो नाउन हो गया, मतलब आप अदर ऑप्शन मांग रहे हो। ऑल्टरनेटिव का मतलब हो गया अदर ऑप्शन, जो कि एक नाउन का काम करेगा, और ऑल्टरनेट जो वो एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब एक छोड़ करे। ये दोनों क्या है कि हम इसलिए यूज कर लेते हैं इसको इस तरह से, क्योंकि हमने ये देखा है कि ज्यादातर ये जो TIVE वाले जो वर्ड्स होते हैं या IVE वाले वर्ड्स ज्यादातर एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन इसमें उल्टा है हिसाब। हाँ, कॉमन नाउन में ही आएगा। जैसे मान लो तीन चार भी तो हो सकते हैं, इसके कितने ऑल्टरनेटिव हैं, तो चार पांच ऐसे हो सकते हैं ना, कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करोगे, तो वो व्यक्ति कहता है सर मैंने पटवारी का भरा हुआ है, उसमें मेरा ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा बस। वो कहते हैं ठीक है इसको बाहर निकालो यहाँ से। सही में ऐसे होता है, जबकि इसका जवाब तो यही रहता है कि आपका नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, सर मुझे लगता है कि मैं वो सारी क्वालिटीज पूरी करता हूँ जो आपको यहाँ पर चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा इसमें नहीं होगा सिलेक्शन। फिर वो कहते हैं वाह कॉन्फिडेंस, इसको बाहर निकालो। लेकिन फिर वो पूछते हैं ऐसे, वो एक बार और पूछ लेते हैं ऐसा कि फिर भी वो ये कहता है कि ठीक है सर मैं दोबारा आऊंगा, इसी में आऊंगा दोबारा। ऐसी गप मारनी होती है कि मेरे को इसके अलावा और कोई जॉब पसंद नहीं है, मैं फिर आऊंगा, क्या आपका लास्ट अटेम्प्ट है, फिर गप मार दो, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं। वो कहे फिल्मों में होता है ऐसे वैसे तो। लेकिन उसमें वो जो बात थी ना, इतनी सी वो सच थी कि मैं स्कूल में पढ़ाऊंगा, इतनी फालतू बकवास वो करने ही नहीं देते कि हार नहीं मानूंगा और हार नहीं ठानूंगा और ये कर दूंगा, कि तुम बाहर जाए ऐसे बुंडे मुंह के। तो अल्टरनेटिव जो है ना, इसका मतलब वो अदर ऑप्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अरे मैं मनोज शर्मा जी को नहीं कह रहा, मैं तो उस एक्टर को कह रहा हूँ जो विक्टिम कार्ड खेल जाता है हर बारी अपने मुंह की वजह से। खैर मुझे वो एक्टर पसंद नहीं है। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन का मतलब क्या होगा कि ये आपको ऑप्शन देगा, अदर ऑप्शंस देगा ये। जैसे इसके एग्जांपल हैं ये वाले, आइदर और, नाइदर नॉर, अकेला और, एल्स, ये सब जो होते हैं ना ये आपको ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन देने का मतलब क्या हुआ कि अपने अगर ये लिख दें, आइदर यू, एल्स और दे विल हैव द आंसर। अब इसमें आपने किन दोनों को जोड़ा है, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया, दोनों सब्जेक्टिव फॉर्म में ही तो है, आइदर यू और दे। आप इससे है ना दो एडजेक्टिव्स को भी जोड़ सकते हो, जैसे मान लो मैं इस बार नाइदर से जोड़ देता हूं, दे आर नाइदर पेशेंट नॉर कॉन्फिडेंट। नोर नोर देखो नोर लिखा हुआ, सॉफ्ट स्पोकन, ये दोनों एडजेक्टिव। पेशेंट मरीज वाला नहीं है भाई, पेशेंस वाला, सब्र वाला, के ना तो वो सबरी है। मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं जिसको सब्र होता है उसको क्या बोला जाता है, ना तो वो सब्र रखने वाले हैं सबरी, ना ही वो सॉफ्ट स्पोकन पर्सन जो होते हैं ना पोलाइटली बात करते हैं, जैसे अपने जोधपुर साइड के लोग हैं, आपने कभी देखा होगा दो जोधपुर वाले कैसे लड़ाई करते हैं, मैं थारे कान पे मार दूंगा एक थाने बताऊं मैं अभी, वो ऐसे बोलते हैं अभी। अब बेचारे उनकी गलती नहीं है, उनकी भाषा ही ऐसी है, इतने प्यार से बोलते हैं कि थाने में कह दी हुए थारो गलो रेत दूंगा अठे यहाँ, तो ये क्या कर रहा है, मतलब डरा भी रहे। अब मतलब हम लोग जब जोधपुर में थे, एक बार बिड़ला टायर की तरफ से हम लोग गए थे, तो मैं थोड़ा क्या बाइक ध्यान से चलाता हूँ, तो कहीं लग गई थी मेरे से, बस आ गए ऐसे। स्कूल में होता था ना कितनी खुशी होती थी, बैग फटाफट समेटा के ऐसे, फिर पता लगता था टिफिन देने आए हैं, तब दुख भी होता था। सीधा स्कूल से लेने आते थे,
मेरे वाले तो वो या तो टिफिन देने आते थे या फीस जमा करवाने आते थे या शिकायत लगाने आते थे कि मैडम ये जैसे होता ना कि आजकल टावरों की शिकायतें लगती है कि मैडम जी है ना रोटी नहीं खाता घर पे, तो फिर मैडम डांटती है कि क्यों तुम खाना नहीं खाते, खाना खाया करो, फिर वो खाना खाता है घर जाके वो टावर। हमारे वाले होते थे कि मैडम ये दही खाते ऊपर दूध भी जाता गरम गरम, फिर हम लोग ऐसे बैठे तो मैडम डकार कौन आवे यहाँ, हमारी तो ये शिकायतें लगती थी। तो खैर नाइदर और नोर जो है इसने भी दो एक जैसी चीजों को जोड़ा है, पेशेंट और सॉफ्ट स्पोकन दोनों क्या है ये एडजेक्टिव्स हैं। सॉफ्ट स्पोकन जो है विनम्र को बोलते हैं, कुछ व्यक्ति विनम्र होते हैं जैसे आपको मैंने भी बताया जोधपुर वाले बहुत विनम्र व्यक्ति होते हैं, यही अपने आप गंगानगर हनुमानगढ़ साइड के देख ले प्रनेटिया वैसे ये प्यार हूँ बोले तो प्यार ही तो बोले है वो ऐसे वो मैके डांग मार दी, तो वो मतलब अपने वाले थोड़े से ऐसे हैं फालतू की बातें करते हैं ज्यादा। लास्ट और देख लो इसी का ही टाइप है एक इलेटिव। इलेटिव जो होता है ये परिणामवाचक होता है भाई, ये आपको रिजल्ट के बारे में बताएगा, मतलब जब कंक्लूजन निकालना होता है तब इलेटिव या परिणाम का यूज करते हैं अपने। इसके कौन से है भाई, 10 आ गया, 15 आ गया, 10, 100, ये सब जो होते हैं ये आपको रिजल्ट के बारे में बताते हैं, परिणाम स्वरूप। अभी छोड़ दो ये लो ऐसे क्या, देखो 10, 100 या कंसिक्वेंटली, कंसिक्वेंटली भी इसी के अंदर ही आएगा भाई, इनका सब का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। परिणाम स्वरूप मतलब कोई भी ऐसा जो आपको वर्ड मिलता है जो दो वर्ड्स को जोड़ता है और वो परिणाम को बताता है तो वो परिणामवाचक हो गया। ठीक है, फाइनली इन दी एंड बिकॉज इसमें आएगा जो अपना सबऑर्डिनेटिव होगा उसके अंदर एडवर्ब कंजंक्शन ऑफ रीजन आएगा, वो अपने कल पढ़ेंगे। ठीक है जी, बाकी कल देखते हैं।